नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे करें अपने दिन की प्लानिंग, और इसके लिए हम आपको बताते हैं आपका राशिफल। साथ ही साथ आज हम चर्चा करेंगे कि आपके घर में पूजा घर कहाँ पर हो, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो फ्रेंड पंडित शशि शेखर त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गणपति, सुप्रभात। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग क्या है। संवत 2076, माह श्रवण कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया है, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, नक्षत्र शतभिषा है। भद्रा आज प्रातः 9:14 तक रहेगी और वो पृथ्वी पर है, इसलिए इस बीच में कोई शुभ कार्य नहीं करने हैं। पंचक आज हैं, राहु काल सुबह 9 से लेकर सुबह 10:30 तक रहेंगे, इस बीच में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, तो पूर्व दिशा की ओर आज यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो निकलते समय लैया चना खाकर अवश्य निकलें। तो यह है आज का पंचांग। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पहली 6 राशियों का राशिफल क्या कहता है। मेष राशि, आपको ऑफिस में कोई असुविधा अगर हो रही है तो आप ये बात अपने बॉस से कह सकते हैं, और इसको कहने में देरी बिल्कुल नहीं करिए, अन्यथा आप ही गलत साबित हो जाएंगे। फिजूल खर्ची से आपको बच के चलना होगा, अनावश्यक रूप से खर्च करने से बचिए। जो भी ऑनलाइन विज्ञापन है उनसे बहुत प्रभावित नहीं होइए कि ऑनलाइन आप कोई बड़ा ऑर्डर कर दें, इससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक तंगी हो सकती है। किसी से भी बेवजह की तकरार बिल्कुल नहीं करिए, इस समय क्लैशेस से आपको बच के चलना होगा, वो चाहे ऑफिस हो या घर। प्रेम से बात करिए और सबके साथ मधुर संबंध रखिए, और बेवजह की बातों को, कोई अगर आपको कोई टॉन्ट कसता है या कोई उलाहना देता है तो उसको इग्नोर करिए, यही सबसे अच्छा रास्ता है। वृष राशि, कर्म क्षेत्र में अपना संपूर्ण ज्ञान प्रयोग करिए, जो भी आपके टैलेंट है, जो नॉलेज है, उसका प्रयोग करिए, क्योंकि ज्ञान होने एक अलग बात है और उसका प्रयोग करना एक अलग बात है, और आपको इससे सफलता मिलेगी और प्रसिद्धि भी होगी, ये दोनों ही आपको बहुत इससे आपको लाभ होगा। थोड़ा थोड़ा काम करते चलिए, पेंडिंग काम बिल्कुल निपटाइए, क्योंकि पेंडिंग काम अगर ज़्यादा हो गया तो आपको वीकेंड में दिक्कत हो सकती है, इससे आपके ऊपर भार भी बढ़ सकता है। दूसरों के सहयोग से आपको काम जल्दी हो सकता है, और एक बात और ध्यान रखनी है कि किसी को अगर आपको सहयोग करना पड़े तो पीछे बिल्कुल मत हटिए, क्योंकि जितना आप सहयोग करेंगे इतना ही आप भी सहयोग ले पाएंगे। जो विद्यार्थी लोग हैं वो अपने नोट्स को, जो अपने इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको बहुत संभाल के रखें, क्योंकि वो मिसप्लेस हो सकती हैं, तो यात्रा करते समय, आते जाते समय अपने बैग, कॉपी, बुक सब बहुत ध्यान से रखें। जिन लोगों को जोड़ों से संबंधित रोग है, गठिया है, ऑर्थराइटिस, वो लोग अपना ध्यान रखें, वो परेशान हो सकते हैं, आज दर्द बढ़ सकता है। मिथुन राशि, काम करने के तरीके को और बेहतर करिए, क्योंकि टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार होता है कि मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, सुबह शाम तक आप लगे हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है, काम बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो काम की टेक्निक आप बदलिए, आप देखेंगे कि आपको लाभ होगा। और इस टेक्निक में आप टेक्नोलॉजी को भी जोड़िए, लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी है इसका भी आप प्रयोग करिए, और आप देखेंगे कि आपके अंदर और भी जो छुपे गुण थे वो भी बाहर आ जाएंगे। बड़े भाई का सम्मान करिए, बड़े भाई से कोई विवाद नहीं करिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपको से सम्मान कराना चाहती है बड़े भाई का, और इससे आपको लाभ होगा, हनुमान जी की कृपा मिलेगी आपको। वहीं आपको एक बात और ध्यान ये रखनी है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा मत खाइए। अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हुई, मेडिकल स्टोर चले गए या खुद ही खा ली, ये गलत बात है, क्योंकि इस समय अंतरिक्ष में आपको कोई दवा रिएक्ट कर सकती है, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, तो ध्यान रखिए कि दवा डॉक्टर की सलाह पर ही खाइए।
कर्क राशि, अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति थोड़ा ईगो क्लैश करा सकती है, अहम का टकराव करा सकती है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आज सुबह घर से निकलते ही ऑफिस जाएंगे तो किसी से कोई ईगो क्लैश नहीं करना है। प्रेम से जाइए, अपना काम करिए, और ज़्यादा अगर तनाव महसूस हो तो आप शांत रहिए, अपना केवल काम करिए, बेवजह की बातचीत करने से आज बचिए। आज कहीं से आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, कहीं कोई संतान हो सकती है, परिवार में कोई खुशखबरी आ सकती है, या कोई आपको धन प्राप्त हो सकता है। किसी को धन दिया और आपको लग रहा हो कि अब ये वापस नहीं मिलेगा, वो अचानक मिल जाए, उसका फ़ोन आ जाए, तो आपको आज कुछ लाभ हो सकता है। पानी से संबंधित थोड़ा सा अलर्ट रहना है, दुर्घटना से बचना है, तो अगर आप स्विमिंग करते हैं या कहीं नदी में यात्रा करने की कोई प्लानिंग है तो बिल्कुल नहीं, पानी से बचिए और आप अपने घर पे रहिए, ऑफिस में काम करिए, कहीं जल यात्रा करने से बचना चाहिए। पारिवारिक विवाद और मनमुटाव की बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करिए, कुछ घरेलू जो बातचीत होती है उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि विवाद बढ़ जाएगा, आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। सिंह राशि, ऑफिशियल पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा, आप केवल अपने काम पर फोकस करिए, ये जो ऑफिशियल पॉलिटिक्स आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और एक बात तो आप गांठ बांध लीजिए, ना किसी की बुराई करेंगे और ना किसी की बुराई सुनेंगे, आप बिल्कुल बातों का हाजमा अपना बहुत मजबूत कर लीजिए, आप केवल काम करिए, कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी कहे आप अपने शांति से काम करिए। और विश्वसनीय लोगों की कमी भी रहेगी, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन आपका विश्वसनीय है, तो विश्वसनीय लोगों से ही बस शेयर करिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, वरना वो भी नहीं करिए, क्योंकि मौन रहिए, मौन अपने आप में एक बहुत अच्छी भाषा है। पुराने मित्रों से संपर्क हो सकता है और पुराने मित्रों से आपको कुछ करियर से संबंधित भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहीं से कोई ऑफर मिल सकता है। और जिन लोगों ने लोन अप्लाई कर रखा है या कोई कर्ज चाहते हैं तो उसमें भी कोई सकारात्मक सूचना आपको मिल सकती है। कन्या राशि, पारिवारिक सिद्धांतों और संस्कारों का पालन करते हुए उनका सम्मान करने का दिन है, किसी भी पारंपरिक संस्कार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आज कुछ दान पुण्य करने चाहिए, गरीब बच्चों को भोजन कराइए, कपड़े दीजिए, पढ़ाई की व्यवस्था करा दीजिए। आज दिन थोड़ा सा आध्यात्मिक और अपनी परंपरा में जो होता रहा है वो करने का, जीवन साथी के सही निर्णयों की तारीफ करिए। जरूरी नहीं है कि जीवन साथी सदैव हर बात में उसको आप कोई टॉन्ट दें या कुछ विवाद करें, उसकी बातों को आज अप्रिशिएट करने का दिन है, जितना सम्मान करिए, उनको प्रोत्साहित करिए, आज का दिन अच्छा है। तो ये था पहली 6 राशियों का राशिफल, हमने जाना आपका दिन आज का कैसा रहेगा। वक्त है दर्शकों के सवाल लेने का, लेकिन इस बीच ये भी आपको बता दें कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। आज का जो पहला सवाल है वो है अविरल मिश्रा का, लखनऊ से, डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 2006, सुबह 3:15 का जन्म है लखनऊ में। सवाल है कि क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है, उसमें कोई सफलता मिलेगी या नहीं। अविरल का प्रश्न है, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है, खेल के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं कि नहीं। मिथुन लग्न है और सिंह राशि है, बुध की स्थिति अच्छी है, मंगल भी अच्छा है, एनर्जेटिक हैं ये। अविरल जी को एक ध्यान ये रखना है कि बेसिकली जो क्रिकेटर का एक फेम होता है जो अट्रैक्ट करता है और अंदर खेल की जिज्ञासा जगती है, इसके साथ साथ एक कठोर तप है, उसको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आलस्य प्रधान हैं, जो लग्जरी तो दिखा रहे हैं लेकिन उसके पीछे का कठोर तप, परिश्रम ये शायद नहीं दिखा रहे हैं, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है,
कठोर तप करना है और थोड़ा समय भी लगेगा, क्योंकि 2023 के बाद कुछ स्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं। लेकिन अनुकूल और प्रतिकूल की बात नहीं है, यहाँ बात है कि जिस चीज़ में जितना समय लगना है, जो परिश्रम करना है, वो एफर्ट देना पड़ेगा। आप के अंदर इस चीज़ की थोड़ी सी कमी लग रही है, इसके लिए आप हनुमान जी की उपासना करें, खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और बहुत आलस बिल्कुल नहीं आने दें। इतना आप करिए, सफलता आपको जो मिलनी है वो 2023 के बाद ही दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करते हैं कि अविरल जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूजा घर के बारे में क्या खास बातें आज हमें शशि जी बताने जा रहे हैं। दर्शकों, आज के इस भागम भाग दुनिया में मानसिक तनाव लोगों को हो रहा है, लोगों को उलझन होती है, कई बार ऐसा लगता है कि काम बनते बनते रुक रहे हैं, काम हो नहीं रहे हैं। सब कुछ समृद्ध होने के बाद भी चीज़ें तनाव हैं। कई बार लोग बात करते हैं कि पहले हम कम कमाते थे तो ज़्यादा सुकून था, आज ज़्यादा अच्छा पैकेज है, लेकिन तनाव में कोई कमी नहीं है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती हो और भी तमाम जो उलझने हैं, घर आने के बाद भी उलझन, इन सब का एक कारण हो सकता है आपके घर का पूजा घर। अगर घर में पूजा घर ठीक नहीं है तो आपको ये तनाव हो सकता है। प्रत्येक पूजा घर एक आत्मविश्वास के साथ प्रारंभ होनी चाहिए। एक पूजा में एक आत्मविश्वास होता है और पूजा घर आत्मबल देता है। वहीं ये भी ध्यान रखना है कि हानिकारक जो संवेदनाएं होती हैं उनको भी पूजा घर दूर करते हैं, क्योंकि परमात्मा का स्थान है, मन एकाग्र होता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है। दर्शकों, यदि पूजा करने में एकाग्रता ना हो तो फिर पूजा करने का कोई अर्थ नहीं, और ऐसा अक्सर तब होता है जब पूजा घर सही जगह ना हो। वैसे पूजा के दौरान तो मन सभी का भटकता है, लेकिन यदि आपका मन लगातार भटक रहा है, मन के घोड़े पर लगाम लगाना बहुत कठिन हो रहा है, मन में द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है, तो इसका एक कारण यह है कि आप एक बार चेक करिए कि आपका पूजा घर घर में कहाँ पर है। ऐसा तो नहीं कि वास्तु के अनुसार ये पूजा घर गलत दिशा में हो। तो सही दिशा जो है वो है पूर्व और उत्तर के जो मध्य का स्थान है। घर के सेंटर में जब आप खड़े होकर देखेंगे तो जो पूरब और उत्तर के जो सेंटर का स्थान होगा वो स्थान होगा ईशान कोण। ईशान कोण बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी यहीं पे ऐश्वर्य निवास करता है। यहाँ पर आपको अपना पूजा घर बनाना चाहिए और यहाँ अगर ईशान कोण अगर में डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ अगर ईशान कोण अगर डिस्टर्ब है, पूजा घर नहीं है, तो अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे संबंध होते हैं, नेटवर्क में बहुत जानने वाले लोग होते हैं, लेकिन कभी काम नहीं आते। अक्सर आदमी बताता रहता है कि हमको फला आदमी हमसे परिचित है, इतने बड़े आदमी हमसे परिचित है, लेकिन वो कभी काम नहीं आते। तो पूजा घर अगर ईशान कोण में अगर आ जाते हैं तो वो सबसे अच्छा। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप ईशान कोण में अपना पूजा स्थान बनाना चाहिए। तो आज चेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो उसको शिफ्ट करिए, क्योंकि ईशान कोण के अधिपति देवता बृहस्पति हैं। ये वास्तु पुरुष के मस्तक का क्षेत्र है, ईशान कोण वास्तु पुरुष का मस्तक है, तभी तो टेंशन होती है। किसी भी भूखंड में सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, ये बहुत सेंसिटिव होता है। वास्तु पद विन्यास के अनुसार ईशान कोण में ब्रह्मा का वास है और ब्रह्मा ही भाग्य लिखते हैं, भाग्य विधाता हैं, और सही पूजा अगर की जाए और सही स्थान पर पूजा घर है हमारा, तो आप समझिए कि आधा टेंशन खत्म हो जाती है। अगर नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण
डिस्टर्ब रहता है तो एक कन्फ्यूजन सी स्थिति बन जाती है। घर में पूजा घर का अर्थ होता है कि देवता के उपासना करने वाला स्थान, इसे लोग मंदिर भी कहते हैं, लेकिन घर के पूजा स्थान में पूजा स्थान ही कहना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी मूर्ति की स्थापना नहीं होती है। आजकल घरों में पूजा स्थान में लोग मंदिर नुमा बनवा लेते हैं, मार्बल लगवा लेते हैं, वो नहीं, लकड़ी का बनवा सकते हैं, मिट्टी का बनवा सकते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। एक बात ध्यान रखिए कि घर में जो पूजा स्थान है वहाँ पे यदि प्राण प्रतिष्ठा करा के आप कोई देवी देवता रखते हैं तो ठीक नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ये इसके दायित्व अलग हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप को ये ध्यान रखना होगा कि मूर्ति रखें, छोटी रखें, कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए, क्योंकि घर का वातावरण बहुत पवित्र नहीं रह पाता है, क्योंकि घर है और प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता बहुत जिम्मेदारी मांगते हैं, उनके लिए बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। और अगर जब ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं तो देवी देवताओं के अंदर बहुत क्रोध आता है, कुपित हो जाते हैं, और हम लोगों को अच्छे फल मिलने के बजाय खराब फल मिलने लगते हैं, जिनका परिणाम बहुत खराब है। घर में पूजा स्थान हो तो आप इसे मंदिर की आकृति के रूप दे दें, ये ठीक है, किंतु घर में बड़ी मूर्तियां बिल्कुल नहीं रखें, उनकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। और अगर आप करवा चुके हैं तो फिर उनकी बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात का ध्यान रखिए, स्वच्छता का, नियमित भोग का, आरती का, अखंडित व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं एक बात यह भी ध्यान रखनी कि पूजा घर में कैसी मूर्तियां हों। पूजा घर में श्री गणेश, दुर्गा जी के चित्र, छोटी मूर्तियां उत्तर की दीवार में रखनी चाहिए, क्योंकि उत्तर में वास और उनका मुंह दक्षिण में हो जाएगा। वहीं ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय जी का मुंह पूरब और पश्चिम में रखना चाहिए। अगर आपके पास सूर्य भगवान की कोई फोटो है तो उनको पूरब में, मंदिर के पूरब वाली दीवार पर लगाइए। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी आप मूर्ति लें वो एक बालिश से ऊपर ना हो, यानी एक बालिश मुखिया का जितना बड़ा है उतना लें, या आप ये साइज का लें। बहुत बड़ी मूर्ति की उपासना घर में करने से बचिए, जिम्मेदारी है इससे। अगर मूर्ति बड़ी भी है तो ध्यान रखिए कि वो अगर खोखली है तो उसमें दोष नहीं है। और कुछ ग्रंथों ने तो 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति वर्जित करी है घर के लिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। वहीं पर ये भी ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए खास तौर पर। जैसे प्राचीन मूर्तियां मंदिर से, कभी भी मंदिर से मूर्ति घर पर नहीं लानी चाहिए, ये बहुत बड़ा दोष। इसके अलावा शास्त्र कहते हैं कि घर में 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए, एक ही शिवलिंग रखिए, 2 शंख नहीं होने चाहिए, 2 सूर्य की चित्र नहीं होने चाहिए, 2 शालिग्राम नहीं होने चाहिए, 3 दुर्गा माँ की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें ध्यान रखनी होगी। एक बात और बताएं कि जो फोटो हैं जो हम लोग चित्र लगाते हैं फ्रेम करके, इसमें दोष नहीं है, इसको आप काउंट मत करिए, ये बात यहाँ मूर्तियों की हो रही, छोटी मूर्तियों की। यदि आप प्रतिदिन हवन करते हैं तो हवन कुंड ईशान कोण में मत रखिए, उसको आप आग्नेय में शिफ्ट कर दीजिए, यानी साउथ ईस्ट, दक्षिण और पूरब के बीच का, क्योंकि वहाँ अग्नि तत्व है, एक दो बार करते हैं तो चल जाएगा। दीपक जलाते हैं वो आप ईशान में जलाइए, दीपक जलाने से वहाँ पे उजेला रहना चाहिए। और एक बात और नोट करिए कि रात में ईशान कोण में कोई ना कोई लाइट, चाहे छोटी हो, नाइट बल्ब जलना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल अंधेरा मत करिए ईशान कोण में। एक बात और ध्यान रखिए कि भूल कर भी भगवान के जो कक्ष है आपका, जहाँ पूजा घर है, वहाँ सोना नहीं चाहिए। और अगर स्थिति ऐसी है कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है तो कपल को तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, किसी जोड़े को, पति पत्नी को तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, बच्चे सो सकते हैं,
ये ना सोएं तो बहुत अच्छा, लेकिन अब विकल्प नहीं है तो फिर बच्चे सो सकते हैं केवल। अपने पूजा घर में कोई भी अपवित्र चीज नहीं रखिए। पूजा का जो झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें छुपा के रख दीजिए, हटा दीजिए वहाँ से, क्योंकि अपवित्र चीज़ें पूजा घर में नहीं रखनी है, भले ही वो पूजा घर के लिए इस्तेमाल होती हों, वो भी वहाँ नहीं रहेंगी। दर्शकों, इसके अलावा ध्यान रखना है कि पूजा कक्ष में बहुत ज़्यादा कीमती सामान नहीं रखनी चाहिए कि आपने वहीं पर धन रखने लगे, अगर ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि फिर ये स्थान है धर्म का, धन का नहीं। आप वहाँ धन रख देंगे, ज़्यादा रखने लगेंगे, तो जो घर का मुखिया है उसके चित्त में सदैव धन ही धन रहेगा, वो मन अशांत रहेगा, धन को लेकर ही दिन भर सोचेगा। धन एक आवश्यकता है लेकिन नंबर वन पे नहीं है। कुछ लोग लक्ष्मी, गणेश, कुबेर आदि देवताओं की जो तस्वीरें हैं वो द्वार पे लगा लेते हैं घर के, ये एक विशेष बात है, ध्यान रखिए कि वो हमारे कोई पहरेदार तो है नहीं, तो कोशिश करिए द्वार पर भगवान का चित्र नहीं लगाइए। लगाना है कोई शुभ आकृति लगा लीजिए, नॉन लिविंग थिंग में जैसे ओम लगा लीजिए, सिंबल लगाइए, इसका ध्यान रखिए बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर लगा दिया है और नहीं हट सकता है तो फिर नियम बना लीजिए, जितनी बार आप अपने पूजा घर में भोग आरती दिया जलाएंगे उतनी बार द्वार के जो देवता हैं उनको भी पूजा अर्चन करेंगे, नियमित उनको भी भोग लगेगा, नियमित आरती होगी, ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेड हैं, उनकी वजह से ही ये घर है, हम लोग हैं, तो इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करिए जिससे उनके पद और उनके सम्मान में कमी आए। तो आज हमने जाना कि घर में कहां पर हो आपका पूजा घर। इसी के साथ वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार बाकी बची 6 राशियों का राशिफल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय गणपति। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, बाकी बची 6 राशियों का राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज का दूसरा सवाल लेते हैं। जो कि हिमांशु ने पूछा है कानपुर से, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1993, शाम 6:50 का जन्म है कानपुर में। सवाल इनका यह है कि पॉलिटेक्निक से प्रोडक्शन मैकेनिकल का कोर्स किया है, क्या सरकारी नौकरी मिलने का योग है? हिमांशु जी का प्रश्न है कि सरकारी नौकरी से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं कि कब लगेगी। कुंभ लग्न है, लग्न में शनि है, लग्नेश है, मीन राशि है, दशा बहुत फेवरेबल नहीं चल रही है, और भी स्थिति को देखते हुए राहु भी सरकारी नौकरी में व्यवधान दे रहे हैं और सूर्य की स्थिति भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि सूर्य उपासना करिए और सरकारी नौकरी के साथ साथ कुछ प्राइवेट जॉब भी तलाशिए, क्योंकि ऐसा नहीं है आपकी कुंडली में करियर अच्छा है, पैसा है, सम्मान है, तो ये प्राइवेट से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकारी नौकरी में एक समय अवधि है, आप 2020 तक 21 तक ट्राई करिए और साथ में प्राइवेट के लिए भी आप प्रयास करिए, वहाँ आपको ज़्यादा सफलता मुझे दिखाई दे रही है। तो हिमांशु जी के सवाल के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बिना देर किए जान लेते हैं बाकी बची 6 राशियों का राशिफल। तुला राशि, आज आपको कर्म क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको प्लानिंग भी करनी होगी, क्योंकि ये अवसर है, अवसर के साथ साथ भार भी है, क्योंकि जिम्मेदारी आपको बहुत अच्छे से निभानी होगी। सामाजिक दायित्व ज़्यादा नहीं लीजिए, कोई भी घरेलू काम है, रिश्तेदारों में काम है, क्योंकि इस समय सारी एनर्जी को लेकर आपको ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, कई जगह से आपको डिफोकस होना पड़ेगा। आज आपने जो पहले निवेश किए थे उनका फल प्राप्त हो सकता है, यानी आज जो मेहनत की थी उसका भी जिम्मेदारी का फल है, जो धन भी कहीं लगाया था वो भी आपको निवेश जो किया था उसका प्रॉफिट मिल सकता है।
किसी को आपने अगर उधार दे रखा है तो वो वापस मिल सकता है। आज दिन पॉजिटिव। वृश्चिक राशि, वर्तमान समय में तनाव के चलते जॉब छोड़ने का विचार आ सकता कि यहाँ मन नहीं लग रहा। ऐसा निर्णय लेने से पहले बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि किसी भी आवेश में आकर कोई निर्णय लेना बहुत गलत है। आपके पास अच्छा ऑफर हो तो आप बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन बिना ऑफर लेटर के नौकरी छोड़ने का विचार छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी लग रहा है ये आत्मसम्मान की बात है, लेकिन आगे चल के ये आर्थिक रूप से ज़्यादा दिक्कत दे देगा। सदाचारी दोस्तों के साथ समय बिताइए, जो दोस्त पॉजिटिव एनर्जी के हों। नशा करने वाले लोगों से दूर रहिए। आपको अपनी हड्डियों पर भी ध्यान देना होगा। अगर ऐसा जांच में आपको पता है कि हमारी कैल्शियम कम है या हड्डियां कमज़ोर है, तो आपने आहार को सुधारिए, अपने आहार में पौष्टिक आहार जोड़िए, क्योंकि ये समय आपको अपने शरीर पर भी ध्यान देना है। धनु राशि, अत्यधिक वर्कलोड के कारण अत्यधिक क्रोध आ सकता है, काम ज़्यादा मूड खराब। ग्रहों की स्थिति काम का लोड बढ़ाकर आपका धैर्य चेक कर रही है, तो क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चेकिंग प्रोसेस है परमात्मा का, क्योंकि जो भी चीज़ जितनी मजबूत दावा करती है उसको चेक करना पड़ता है। कोई चीज़ अनब्रेकेबल है तो आपको तोड़ना पड़ेगा, देखेंगे कितना मजबूत है। वहीं जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन रोगियों को बहुत ध्यान देना चाहिए, अपनी दिनचर्या को नियमित रखिए, वॉक वगैरह करते रहिए, और घर का सुख चैन बिल्कुल समाप्त ना होने दें किसी विवाद को लेकर। प्रसन्नता के साथ रहिए और आनंद के साथ समय व्यतीत करिए, विवाद से बहुत दूर रहिए। मकर राशि, आज गपशप करके दिन बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, समय बहुत कीमती है। टाइम लॉस्ट इज लाइफ लॉस्ट, इसलिए केवल ऑफिस के काम पे फोकस करिए, क्योंकि आज आपके कामों को देखा जा रहा है। हो सकता है आपको न पता हो लेकिन ऑब्जर्व हो रहा है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, बहुत हाइपर नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है, अगर कहीं बाहर ट्यूशन में जा रहे हैं या कहीं बाहर जाके पढ़ना है कोई कोचिंग वगैरह तो जा सकते हैं। भाई के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए भाई का ध्यान रखिए। और ये स्वास्थ्य मानसिक रूप से भी हो सकता है कि वो कोई डिप्रेस हो, तो आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। कुंभ राशि, बिजनेस करने वालों के लिए अपने कारोबार को बढ़ाने का समय है, और ये समय विज्ञापन देने का है। अंतरिक्ष में राहु की पोजीशन जिस तरीके की है तो इस समय आप एडवर्टीजमेंट बढ़ाइए, वो एडवर्टीजमेंट का कारक है। मार्केटिंग करिए, कुछ प्लान करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बारे में जाते हैं, आपके प्रोडक्ट को जाने। कौन सी चीज़ है जो सेहत को ख़राब कर सकती है, इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि बाहर का भोजन करना ये ठीक नहीं है। और अगर आपको नियमित रूप से बाहर का भोजन करना ही पड़ता है, कुछ ऐसी सिस्टम बना हुआ है, तो कोशिश करिए कि किसी भी आप होटल रेस्टोरेंट में जाइए तो कम ऑयली और कम मिर्च मसाले की डिशेज ही ऑर्डर करिए, सादा भोजन खाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। समय निकालकर मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, कुछ देर मंदिर में बैठिए, वहाँ की जो सकारात्मक एनर्जी है उसको लेने का समय है, इससे आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। मीन राशि, आज मन एक जगह नहीं लगेगा, मन भटकी रहा है, एकाग्रता करना बहुत कठिन है, तो इसलिए आनंद के साथ रहिए और सहयोगियों को कोऑर्डिनेट करके चलें। दूसरों से सहयोग लेना पड़ सकता है कि आज मूड नहीं है, आप काम कर दीजिए, तो सहयोग मिलेगा। घरेलू काम है कोई तो हो सकता है आपको कोई पड़ोसी मदद कर दे, यानी आज का दिन रिलैक्स है, मदद ले सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी चल रही है कि अगर आपका कोई परिचित बीमार है और वो कहीं एडमिट है तो उसमें आलस मत करिए, उसमें जाइए, उनके हालचाल लीजिए, देखिए, क्योंकि ऐसे मौके पर
बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए। तो ये था बाकी बची 6 राशियों का राशिफल। आज का दिन आपका कैसा रहेगा ये हमने जाना, साथ ही साथ पूजा घर के बारे में भी अहम जानकारियां आज हमने हासिल की। फिलहाल वक्त आपसे विदा लेने का है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गणपति, सभी का दिन मंगलमय हो। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप देखते रहिए एबीपी गंगा।